आगे देखिए, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला जिसको हम हाथ से फेरते हैं, जो माला होती है कर हाथ, जीभी जीभ, माही में, मनुआ मन, दहु दिसी दसों दिशाओं में, फिरे घूमना सुमिरन याद। कबीर दास जी इस साखी में मनुष्य की प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए कहते हैं, माला तो कर में फिरे कि व्यक्ति माला को तो अपने हाथ में घुमाता है, माला को उंगलियों से पकड़कर उनके मनकों को घुमाया जाता है, जीभ ही फिरे मुख माही, और साथ ही साथ जीभ मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मनुआ यानी मन, दहु दिसी दसों दिशाओं में, और व्यक्ति का मन माला घुमाते हुए ईश्वर की नाम की नाम को रटते हुए उसका मन दहो दिशा दसों दिशाओं में फिरता रहता है। अर्थात व्यक्ति का जो मन है वो बहुत ही चंचल है। यह तो सुमिरन नाही, इसे भगवान भक्ति, इसे भगवान की याद नहीं कहा जा सकता। अतः कबीर दास जी का कहने का भाव यह है कि हाथ में माला घुमाना, जीभ में राम राम करना, परंतु उसका मन चारों दिशाओं में फैलना, यह धर्म आडंबर है, धार्मिक आडंबर है, यह भगवान की याद नहीं है। आगे देखिए, कबीर घास ने निंद दिए जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आखी में खरी दुहेली होए। निंदिए मीन्स निंदा करना, पाऊ तली पैरों के नीचे, खरी बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई। इस साखी में कबीर दास जी ने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है और उन्होंने किसी की निंदा न करने की बात कही है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर घास ने निंदिए कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाऊ तली होए, जो हमारे पैरों के नीचे दबी हो। कहने का भाव है कि हमें कभी भी अपने से निम्न और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह घास का तात्पर्य गरीब और निम्न लोगों से है। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए, तो अगर हम, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आँखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होती है। अतः कवि कबीर दास जी कहते हैं, जब हम निम्न और गरीब लोगों की यानी अपने से छोटे लोगों की निंदा करते हैं और जब वह व्यक्ति जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले को अत्यधिक पीड़ा करता है। जैसे घास का तिनका आँखों में जाकर अत्यधिक कष्टदायी होता है, ऐसे ही वह निंदित व्यक्ति भी जब जागृत होता है तो बहुत दुख देता है। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोए। शब्दार देखिए, बैरी मीन्स शत्रु, जग मीन्स संसार, शीतल ठंडा, होए होना, आपा अहंकार। इस साखी में कबीर दास ने अपने क्रोध को त्याग कर सभी से प्यार से रहने की बात की है। कबीर दास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई किसी का बैरी अर्थात शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, जिस व्यक्ति का मन ठंडा है, जिस व्यक्ति का मन शीतल है, उसका कोई भी शत्रु नहीं है। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। आपा मीन्स अहंकार। हे मानव, कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव तू अपना अहंकार, आपा अहंकार, तू अपना अहंकार अर्थात गुस्सा
त्याग दे और सभी पर अपनी दया दया करे सब कोई और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल। तो सभी से प्रेम भाव से मिल, अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं, मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार से जीवन यापन करे। क्योंकि जो व्यक्ति अपना गुस्सा अहंकार त्याग देते हैं उनके प्रति सबका व्यवहार अच्छा होता है, वे उससे प्रेम भाव से मिलते हैं और प्यार करते हैं।